सभी दोस्तों को नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल चहल उत्सव आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको अपामार्ग क्षार बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपामार्ग को जो है वो सुखा लेना है। सूखने के बाद इसकी ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ करके किसी लोहे के बर्तन में रख दें। ऐसी छोटी छोटी लकड़ियां करके इसको किसी लोहे के बर्तन में रख दें। तो अब सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके हम इसको आग लगा रहे हैं। जो मैंने बताया था आपको कि इसको इकट्ठा कर लें सारी लकड़ियों को, और उसके बाद इसको आग लगा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुका है और बहुत जल्दी इसको आग जो है पकड़ लेगी और इससे जो है इसकी राख बननी शुरू हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखें, इसको ओट वगैरह में रखना है, कहीं पे जहाँ पे हवा चलती हो वहाँ पे इसको ना रखें, तो अपना बचाव रखें। और इस तरह से इसको माचिस से आग लगा दें। तो ये देखिए, अब ये आग पूरी तरह से जल चुकी है। अपामार्ग का जो हमने कंडे बिछाए थे, जो लकड़ियां बिछाई थी बठल में तसले में, तो अब ये आग पूरी पकड़ चुकी है। तो इसको जब ठंडा हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे और फिर इसकी राख की जो अगली प्रक्रिया है क्षार बनाने की, वो मैं आगे आपको समझाता रहूँगा। तो ये लाइव वीडियो ऐसे कोई नहीं दिखाता आपको किसी भी चैनल पे। अपने योग बनाने की जो विधियाँ हैं वो हमारे चैनल चहल उत्सव आयुर्वेदा पे हम लाइव दिखाते हैं आपको। तो ये जल रहा है अपामार्ग जो है, तो आजकल इसको उखाड़ के ले आए आप जड़ समेत और इसका क्षार बना कर रख लें। सभी वैद्य मित्रों को ये बहुत ही काम देने वाली चीज़ है। तो ये सारी लकड़ियां अब जल जाएंगी, फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो भी आपको बताएंगे। ये इस तरह से ये धीरे धीरे जो है सारी राख इसकी समांग शीतल हो जाएगी। तो ये ठंडा होने हो रहा है, जैसे ही ये स्वांग शीतल हो जाएगा तो फिर इसको निकाल के जो है वो पानी में डालना पड़ेगा। अब ये जितनी राख होगी इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको 6-7 घंटे पड़ा रहने देंगे। उसके बाद फिर इसको छान के जो है इसका क्षार बनाया जाएगा। तो ये सारी राख जितनी है इससे 8 गुना पानी इसमें डाल देंगे हम। तो अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, जो कि जितना हमारा क्षार है उससे लगभग 8 गुना पानी हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह से भिगो देंगे और फिर इसको राख को मसल देंगे। हाँ, इसको राख को अच्छी तरीके से मसल देंगे और फिर इसको हमने लगभग 8-10 घंटे ऐसे ही भिगो के रखना है।
पहले अच्छी तरीके से मसल के फिर इसको भिगो के रखेंगे, फिर इसका क्षार निकाला जाएगा। अभी जो अपा मार्ग क्षार का ये पानी था, इसको हमने 8-10 घंटे रख दिया है। अब हम इसको छान रहे हैं, तो ये पानी छान के 4 लड़ों वाले कपड़े से, सूती कपड़े से, अब हम इस पानी को छानेंगे। ये ऐसे पानी से इसको अच्छे तरीके से छान लें आप, ऊपर ऊपर का साफ साफ पानी डाल के इसको छान लेना है। ऊपर वाली मैल नहीं रखनी आपने। अब ये जो साफ पानी है इसको आपने आग पे रख देना है। ये भट्ठी है और ये 2-3 बार कपड़े से छानना है। जो राख बचेगी वो नहीं रखनी आपने, सिर्फ साफ पानी को आपने गैस पे या मंद मंद अग्नि पे रख के इसको धीरे धीरे गर्म करना है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा और ये जो है क्षार आपका बनता जाएगा, और इस तरह से ये जो है अपामार्ग क्षार बन जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक है। सांस, दमा और कफ में इसको शहद के साथ दिया जाता है, और कान अगर बहता हो तो इसमें तिल का तेल मिलाकर कान पूर्ण किया जाता है। गैस, पेट दर्द और अफारा में ये बराबर भाग त्रिकुटा और अजवाइन का चूर्ण मिलाकर दिया जाता है, और प्लीहा में ये सेंधा नमक बराबर भाग मिला के गर्म पानी से दिया जाता है। तो ये अपामार्ग क्षार है, आप भी इसे बनाएं और इसका लाभ लें। आजकल ये बहुत यात में सड़कों के किनारे आपको मिल जाएगा, और इसकी पूरी विधि मैंने आपको बता दी है। और ज़्यादा जानकारियों के लिए, भस्मों की जानकारी के लिए, दवाइयों की जानकारी के लिए, आप मेरे ये चहल उस आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।